हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे जनरल डायोड का, जो कि जेई और नीट दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और ये चैप्टर सबसे लास्ट में है तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसके बाद आप लोग को जनरल डायोड के लिए और कहीं कुछ देखना नहीं पड़ेगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे इसका पहले, लेकिन हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं, उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे जो कि आप कैसा भी सर्किट रहेगा वो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जनरेटर डायोड का। डायोड में क्या बोल रहा है कि द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज और फिर जनरेटर डायोड दे दिया है 5.6 वोल्ट इन द गिवन सर्किट, द जनरल करेंट आई जेड थ्रू जनरेटर डायोड इज क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लोड साइड, ये देखिए लोड साइड है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं लोड वाला रेजिस्टेंस, और ये सीरीज रेजिस्टेंस है, बैटरी का भी हो सकता है या सर्किट का भी हो सकता है। ये है जनरेटर डायोड। जनरेटर डायोड ऑलवेज ब्रांच लोड का पैरेलल में लगा रहता है, कभी भी सीरीज में नहीं रहता है, बिकॉज इसको हम लोग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग इस ब्रांच को काट देंगे यहाँ से, इधर इसको पहले काट दीजिए, इसको भूल जाइए। अब देखिए ये आपका सर्किट है इतना, अब इस पर हम लोग पहले वर्क करेंगे। तो जनरेटर डायोड जो है, तो इसमें आगे का जो ये वाला है ना, ये इसका जो हेड है, इधर होता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जनरेटर डायोड का इक्विवेलेंट वोल्टेज। और ये बैटरी का वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये 5.6 वोल्ट। ये 5.6 वोल्ट को हम लोग इधर दिखाएंगे बैटरी से। अभी ये फिलहाल सर्किट कटा हुआ है लोड वाला, और ये बैटरी 9 वोल्ट है, 200 ओम रेजिस्टेंस है सीरीज में। और ये जनरेटर डायोड को अभी फिलहाल है जो हम लोग बैटरी ट्रीट करेंगे, उसका जनरेटर डायोड का जो भी वोल्टेज है वो 5.6 वोल्ट दिया हुआ है, उसको लेना है यहाँ पर। तो अभी हम लोग को पहले इस सर्किट में करंट फाइंड करना है। अभी ये आई जेड नहीं फाइंड कर रहे हम लोग, अभी फिलहाल इस सर्किट का करंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, लोड को हटा करके। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट किरचॉप्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके लिख सकते हैं। सपोज अभी करंट है I1, अभी इसका कुछ करंट हम लोग I1 बोल दे रहे हैं, अभी इसमें फ्लो कर रहा है। तो I1 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, I1 हम लोग फाइंड करने के लिए चलिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर लेते हैं, KVL। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, I1 × 200, फिर बैटरी के पास आए हम लोग तो +5.6 लेंगे, फिर इसको हम लोग क्रॉस किए, फिर यहाँ पर हम लोग को 9 वोल्ट का बैटरी है निगेटिव में, -9 वोल्ट इक्वल टू जीरो, लूप कंप्लीट। तो यहाँ से हम लोग I1 फाइंड कर लेंगे, तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा फिलहाल, I1 हाउ मच, I1 हम लोग का आ जाएगा इधर 9 − 5.6/200, ये हम लोग का मिला I1, ठीक है। तो ये करंट था जबकि हम लोग का लोड हटा हुआ था, तब का करंट I1 बोल दिए। अभी सेकेंड स्टेप हम लोग का होगा यहाँ पर, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लोड को ले लेना है, लोड को ले लेना है और इधर का सर्किट को काट देना है, पीछे वाला को इधर को काट देंगे हम लोग। अब ये जनरेटर डायोड एज ए बैटरी काम कर रहा है, लोड को करंट फीड कर रहा है, तो उस करंट को हम लोग फिलहाल चलिए I2 बोल दे रहे हैं यहाँ पर, करंट I2। अभी I2 का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो ये सिंपल एक सर्किट में रेजिस्टेंस है और ये बैटरी सोर्स है, तो I2 V/R हो जाएगा, दैट इज 5.6, और लोड रेजिस्टेंस है 800। तो ये हम लोग का I2 मिल गया। तो अब I1 I2 क्या है, देखिए I1 था जो बैटरी जो पावरफुल था, जनरेटर से ज़्यादा पावर का था, 9 वोल्ट सोर्स है उसका, ज़्यादा EMF है, तो करंट इधर देगा जनरेटर डायोड को, क्योंकि कम वोल्टेज पर है, इसका EMF कम है। और सेकंड केस में जब हम लोग सर्किट को कट कर दिए तो ये करंट I2 लोड को ट्रांसफर किया। अब जो करंट हो जाएगा जनरेटर डायोड के थ्रू, उसको समझिए अच्छे से, IZ। IZ क्या हो जाएगा, जनरल करंट, वो हो जाएगा I1 − I2। ये 3.4 आएगा इधर से, इसका वैल्यू 3.4 होगा,
तो 3.4 बाय 200 माइनस 5.6 बाय 800। अब दोनों का एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 800, तो यहाँ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 3.4 माइनस इधर 5.6 बाय 800, ये हम लोग का जनरल करंट मिला। तो आफ्टर सॉल्विंग इसका वैल्यू कितना आ जाएगा इसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा 4, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, 4 × 3.4 माइनस 5.6 डिवाइडेड बाय 800। तो इसका वैल्यू आ रहा है फिलहाल 0.1, 0.1 एम्पियर आ रहा है इसका वैल्यू, 0.01, 0.01, दिस इज 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, आई जेड को अगर हम लोग पावर में लिखेंगे यहाँ पर 10 का पावर में, तो 1 × 10⁻³ मीन्स 10 × 10⁻³ आ जाएगा वैल्यू, है ना। तो ये आ गया कितना, 10 मिली एम्पियर आ गया। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 10 मिली एम्पियर। तो आसान है, इसमें हम लोग क्या किए कि पहले I1 फाइंड किए लोड हटा करके, देन हम लोग I2 क्या किए सोर्स को हटा करके, सिर्फ लोड में कितना करंट ये दे रहा है, देन हम लोग का जनरल करंट हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। तो आसान है, अब इसका हम ट्रिक बता रहे हैं डायरेक्ट, जैसे कैसे लिखिएगा, ऐसे कर दीजिएगा आई जेड और आपको इक्वल टू साइन दे करके 2 ब्रैकेट ले लेना है। सारे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है ये, जनरल डायोड का किसी भी क्वेश्चन के लिए। उसके बाद ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, सर्किट कॉम्प्रेस से बता रहे हैं, देखिए अब ये है 9 वोल्ट, तो 9 कर लेना है माइनस कर लेना है 5.6 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस कर दीजिएगा 200 माइनस। अभी क्या करना है, इधर लिखना है वोल्टेज, ये वोल्टेज ऑलवेज 5.6 डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस 800। हो गया, ये डायरेक्ट ट्रिक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। I1 I2 ये I1 ही है एक्चुअली, ये I2 है, तो डायरेक्ट आप इसको एक स्टेप में लिख सकते हैं और इसका वैल्यू आपको आ जाएगा सॉल्व करके वही 10 मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछ चुका है और नीट के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो ये था जनरल डायोड का एक क्वेश्चन। देखिए आपको इसी ट्रिक पर सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे, एक सिंगल ट्रिक है जिस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन बिलो द जनरल करंट करंट थ्रू जनरल डायोड क्या होगा। तो अगेन हम लोग को यहाँ पर से आई जेड फाइंड करना है, जनरल करंट ऑलवेज बाय जनरल डायोड के ऊपर से आएगा, याद रखना है आई जेड। तो डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करिए, यहाँ पर आई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसे हम लोग करेंगे हम माइनस, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, है ना। क्या करना है, 120 को इधर रखना है माइनस, जनरल का वोल्टेज दे दिया यहाँ पर 50 वोल्ट, डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे ये रेजिस्टेंस को लेंगे 5 किलो ओम को, 5 × 10⁻³ माइनस। अब इधर का देखिए, इधर बैटरी का वोल्टेज जनरल का ही लेना है 50, डिवाइडेड बाय क्या करना है कि इसका रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, 10 × 10⁻³। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा जनरल करंट, आप लोग भी इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए, जनरल करंट का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करके आप लोग को बता रहे हैं, 1 मिनट। तो 120 माइनस माइनस 50 डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, तो ये आ जा रहा है यहाँ से 14 मिली एम्पियर पहला पार्ट,
माइनस इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है बता रहे हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 50 बाय, ये आ जा रहा है 5 मिलियम्पियर, 5 मिलियम्पियर आ जा रहा है। तो 14 माइनस 5, तो IZ का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 मिली एम्पियर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। देख रहे हैं ये ट्रिक कहीं भी फेल नहीं करेगा, आप कहीं भी सर्किट में जाइए ये ट्रिक काम करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है फॉर द फिगर शोज ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विथ ए जनरेटर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट, देन व्हाट इज द मैक्सिमम जेनर करंट। तो इसको भी हम लोग उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, और आप लोग को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, सो दैट एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं होता है तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, और हम भी रेगुलर इस पर वीडियो नहीं डालते हैं। और आप लोग को जो भी वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक का, फिजिक्स हो या मैथ हो या फिर इंजीनियरिंग भी हो, वो टॉपिक को कमेंट में करना है कि वो टॉपिक का वीडियो चाहिए, हम उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद आप लोग को दूसरा वीडियो कहीं देखना नहीं पड़ेगा, ये 100% गारंटी है। तो बस एक सब्सक्राइब और लाइक चाहिए आगे का वीडियो के लिए। आप लोग को कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट में बोलना है, उसको हम अपलोड करेंगे इमीडिएटली। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोज ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विथ ए जनर डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। देखिए इसका वोल्टेज दे दिया है 6 वोल्ट जनर डायोड का। इफ द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वेरीज बिटवीन 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जनर करंट। अब देखिए जनर करंट मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर तगड़ा वोल्टेज चाहिए है ना, ज़्यादा जनर करंट ठूसने के लिए जनर डायोड में। तो 16 वोल्ट अगर जाएगा मैक्सिमम बैटरी सोर्स का वोल्टेज, तभी तो ज़्यादा जनर करंट यहाँ पर जाएगा जनर डायोड में। तो हम लोग मैक्सिमम जनर करंट फाइंड करने के लिए 16 वोल्ट को लेंगे, 10 वोल्ट लेंगे तो आपको मिलेगा मिनिमम। कभी कभी क्वेश्चन में मिनिमम भी बोल देता है, तो उसमें सोर्स का मिनिमम वैल्यू लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 वोल्ट लेना पड़ेगा। और वही डायरेक्ट ट्रिक, IZ लिख दीजिएगा ऐसे, और 2 बार ऐसे कर देना है, ऐसे भी कर देना है। इसके बाद क्या करना है, 16 लेना है इधर, माइनस जनर का वोल्टेज दे दिया है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम है, तो 2 × 10⁻³। माइनस अगेन क्या करना है, जनर का वोल्टेज लेना है कितना, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम, देन ये हो जाएगा कितना, सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको। तो आपको हम सॉल्व करके बता रहे हैं कितना आ रहा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है ऊपर 10 वोल्ट आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 आगे 3 जीरो, तो यहाँ पर 0.005 मीन्स 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हम लोग का है 6 वोल्ट ऊपर है और नीचे है यहाँ पर 4 किलो ओम, तो ये आ जा रहा है 1.5, 1.5 मिली एम्पियर आ जा रहा है। देखिए डायरेक्ट ट्रिक काम कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन में ये हो जाएगा 3.5 मिली एम्पियर है ना, ऑप्शन डी में है। तो मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग लेंगे सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज, और मिनिमम करंट के लिए हम लोग लेंगे सोर्स का मिनिमम वोल्टेज। तो आपको ट्रिक से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है जेई मेन और नीट में, हम मेरा ये रिसर्च किया हुआ है इस सारा टॉपिक पर, कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो भी टॉपिक चाहिए वीडियो उसका हम डालेंगे, बस इसको आगे फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में लिखना है कि क्या चाहिए, क्या टॉपिक का, फिजिक्स भी 11th 12th कुछ भी हो, एंड मैथमेटिक्स 11th 12th जेई मेन एडवांस जो भी हो, फिजिक्स का भी, उसको हम
डालेंगे, बस आप लोग का डिमांड होना चाहिए। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी। बोल रहा है द फिगर रिप्रेजेंट ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड इज 6 वोल्ट, मतलब इसका दे दिया है 6 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज 4 किलो ओम, वो भी दे दिया है। आर एल का वैल्यू दे दिया है कितना, 4 किलो ओम दे दिया है। सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आर आई इज 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम है। द बैटरी वोल्टेज बी वी वेरीज फ्रॉम 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट, देखिए सोर्स का वोल्टेज 8 से 16 वेरी कर रहा है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थ्रू जनर डायोड, तो साधारण बात है, आपको हम बताए हैं कैसे मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो चलिए मिनिमम के लिए पहले लिखते हैं एक्सप्रेशन आई जेड मिनिमम, इसके लिए हम लोग यहाँ से 2 ब्रैकेट मारेंगे फिर ऐसे। अब बैटरी का मिनिमम वोल्टेज लेना है, ऐसे ऐसे कर देते हैं 2 बार। अब मिनिमम वोल्टेज कितना है बैटरी का, देखिए 8 वोल्ट है, यहाँ पर 8 माइनस क्या क्या कर देंगे हम लोग, 6 कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस करना होता है 1 किलो ओम, मतलब 1 × 10⁻³। अब माइनस यहाँ पर क्या करना है कि ले लेना है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम, मतलब 4 × 10⁻³। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, आसान है, आई जेड मिन मिल जाएगा। अब आई जेड मैक्स के लिए क्या करना है, हम लोग को सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज लेना है, वो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 16 माइनस 6 बाय फिर से वही रेजिस्टेंस सीरीज वाला, ये सीरीज रेजिस्टेंस होता है 1 किलो ओम, मतलब इतना ओम माइनस, अब ये 6 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻³। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा तो जो भी ऑप्शन आएगा आपको 100% मिलेगा, गारंटी है। तो इतना सारा क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे डायोड से, जो काफ़ी आसान है, एक सिंपल ट्रिक पर बनता है। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, इन द गिवेन सर्किट करंट थ्रू जनर डायोड इज क्लोज टू, क्या होगा ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बैटरी अगर यहाँ पर देखते हैं इसके अक्रॉस बैटरी कितना वोल्टेज ला रहा है जनर डायोड के अक्रॉस, सारे क्वेश्चन वही किए हैं। अगर बैटरी का वोल्टेज कमजोर पड़ गया जनर डायोड के वोल्टेज से, तो याद रखिएगा वो कोई करंट नहीं दे पाएगा जनर डायोड को, सिंपल बात है। तो इस सर्किट में हम लोग को 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर सीरीज है और एक जनरेटर डायोड के पैरेलल में लगा हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको भूल जाएंगे ठीक है, और हम लोग यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पर इस R2 के अक्रॉस वोल्टेज। तो वोल्टेज डिवीजन रूल आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, हम लोग यहाँ पर VR2 फाइंड करें डायरेक्ट, वोल्टेज डिवीजन रूल फिलहाल आप लोग को हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या है। देखिए वोल्टेज R2 के क्रॉस फाइंड करना है तो पहले ऊपर में R2 लिखेंगे हम लोग, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, 1500 प्लस 500 हो जाएगा 2000, इंटू कर देना है बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, सॉल्व कर लीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 बाय 4 × 12, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9 वोल्ट आ जाएगा। तो ये VR2 मिला, ये VR2 कितना है, ये 9 वोल्ट आया, मतलब जनरेटर डायोड के अक्रॉस जो सोर्स का कंट्रीब्यूशन है वो 9 वोल्ट ही है, समझे बात को। अब बट जनरेटर डायोड का खुद का वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, खुद का जो जनरेटर वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट है, तो क्या वो करंट दे पाएगा जनरेटर डायोड को, बैटरी नहीं दे पाएगा। तो इस केस में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो पहले आपको जनरेटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना बैटरी कंट्रीब्यूट कर पा रहा है उसको चेक करना है, अगर वो कम हुआ तो कोई कंट्रीब्यूट करंट नहीं कर पाएगा, बैटरी नहीं दे पाएगा इसको करंट, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 मिली एम्पियर। अगर बाय द वे ये ज़्यादा होता, कुछ भी 1 वोल्ट भी ज़्यादा होता, फिर हम लोग वही ट्रिक मारते डायरेक्ट ऐसे माइनस ऐसे फिर ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग जो बैटरी का यहाँ ज़्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा है R2 के क्रॉस, वो वोल्टेज माइनस फिर जनर का वोल्टेज VZ डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम लोग का रेजिस्टेंस, यहाँ पर कुछ सर्किट का क्या लेना है हम लोग को सीरीज रेजिस्टेंस, फिलहाल कोई यहाँ पर नहीं आएगा। देन इसको हम लोग ये माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, वोल्टेज कितना आ जाएगा यहाँ पर, फिर हम लोग देखते हैं वोल्टेज है VZ, यहाँ पर आप 1500 को ले सकते हैं,
ये 1500 आएगा इधर से सर्किट में, 1500 ही आएगा यहाँ पर माइनस, इधर हम लोग को लेना पड़ेगा कितना, वी टू वोल्टेज दैट इज 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर टू का जो वैल्यू दिया रहेगा। तो सॉल्व कर लेना है इसको, आपको आई जेड मिल जाएगा उस केस में। तो यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिएगा, पहले यहाँ पर वोल्टेज अगर ज़्यादा आया जनरल वोल्टेज से तो हम लोग आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज जीरो जो ऑप्शन होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। अगर ये वोल्टेज से कम आ गया जनरल के अक्रॉस वोल्टेज, तो आगे जो भी ऐसा कुछ है सेमीकंडक्टर का कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप लोग को चाहिए, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, लॉजिक गेट हो गया, तो उसको बोलना है, हम उसको अपलोड करेंगे और सारा क्वेश्चन का ट्रिक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट एवरीथिंग रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।